दोस्तों स्वागत है आपका। आईपीएल 2020 का ऑक्शन जो है वो हो चुका है खत्म, जहां पर कई सारे बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो हमें हैमर के नीचे आते हुए नजर आए। जहां पर आपको बता दें कि टोटल 61 खिलाड़ियों को जो है वो मिली बोली, 61 खिलाड़ी जो है बिकते हुए हमें नजर आए। जहां पर इस वीडियो में हम सभी 61 खिलाड़ियों के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी जो है वो बिके हैं, कितने रुपए में बिके हैं और कौन सी टीम ने जो है उन्हें खरीदा है। सारी फुल डिटेल आपको जो है इस वीडियो में देने वाले हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी ये। तो अगर आप भी आईपीएल के फैन कर रहे हैं, आईपीएल 2020 का इंतजार, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम का गया सबसे अच्छा ऑक्शन, आप अपनी राय जो है कमेंट कर जरूर दें। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए यहां पर लिस्ट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले खिलाड़ी जो कि बिके थे वो थे क्रिस लीन, जिनको 2 करोड़ रुपए की प्राइस दी मुंबई इंडियंस की टीम ने। दूसरे खिलाड़ी थे दोस्तों इयन मॉर्गन, 1.5 करोड़ रुपए इनकी बेस प्राइस थी और 5.25 करोड़ रुपीस में केकेआर की टीम ने इन्हें अपनी टीम में किया है। तीसरे खिलाड़ी दोस्तों रॉबिन उथप्पा, 3 करोड़ रुपए इनको दिए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने। इनके बाद दोस्तों बात करें चौथे खिलाड़ी की, तो चौथे खिलाड़ी रहे जेसन रॉय, जिनको यहां पर 1.5 करोड़ रुपए में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने खरीदा। इनके बाद एरन फिंच के ऊपर 4.4 करोड़ रुपीस की बोली लगाई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने। बात करें दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल की, तो ग्लेन मैक्सवेल को 10.75 करोड़ रुपीस जो है वो दिए किंग्स 11 पंजाब की टीम ने। इनके बाद दोस्तों बिके क्रिस वोक्स, जिनको 1.5 करोड़ रुपीस में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने खरीदा। इनके बाद दोस्तों पैट कमिंस, जो कि सबसे महंगे खिलाड़ी रहे आईपीएल 2020 के ऑक्शन के, जिनको दोस्तों 15.5 करोड़ रुपीस दिए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने। इनके बाद सैम करन जो है वो हमें सोल्ड होते हुए नजर आए 5.5 करोड़ रुपीस में, चेन्नई सुपर किंग की टीम ने इन्हें खरीदा। इनके बाद दोस्तों क्रिस मॉरिस के ऊपर 10 करोड़ की बोली लगाई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने। इसके बाद दोस्तों सोल्ड हुए विकेट कीपर बैट्समैन एलेक्स कैरी, जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 2.4 करोड़ रुपीस की बोली दी। इसके बाद जयदेव उनादकट को 3 करोड़ रुपए की बोली दी राजस्थान रॉयल्स की टीम ने। आरआर की टीम में दोबारा आ चुके हैं जयदेव उनादकट। इसके बाद दोस्तों बिके नेथन कुल्टर नायल, जिन्हें 8 करोड़ रुपए दिए मुंबई इंडियंस की टीम ने। इसके बाद सेल्डन कॉटरेल के ऊपर दबा के बोली लगी 8.5 करोड़ रुपीस में, किंग्स 11 पंजाब की टीम में आ चुके हैं सेल्डन कॉटरेल। इसके बाद दोस्तों बिकते हैं पीयूष चावला, जिनको चेन्नई सुपर किंग की टीम खरीदती है 6.75 करोड़ रुपीस में। इसके बाद दोस्तों अगला खिलाड़ी जो बिकता है वो होता है राहुल त्रिपाठी, 20 लाख रुपए की बेस प्राइस और 60 लाख रुपए तक जाती है, जो कि केकेआर की टीम इनके ऊपर लगाती है। इसके बाद दोस्तों विराट सिंह के ऊपर अच्छी खासी बोली लगती है 1.9 करोड़ रुपीस में, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने खरीदा विराट सिंह को। इसके बाद प्रियम गर्ग को भी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने खरीदा 1.9 करोड़ रुपीस में। इसके बाद दीपक हुडा को किंग्स 11 पंजाब की टीम खरीदती है 50 लाख रुपए में। वरुण चक्रवर्ती को 4 करोड़ रुपए की बोली मिलती है कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा। अगले खिलाड़ी हैं दोस्तों लिस्ट में यशस्वी जायसवाल, जिनको 2.4 करोड़ रुपीस में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने खरीदा। अगले खिलाड़ी है दोस्तों अनुज रावत, जिन्हें 80 लाख रुपए दिए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने। इनके बाद दोस्तों कार्तिक त्यागी को 1.3 करोड़ रुपीस में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने खरीदा। इसके बाद दोस्तों एस ईशान पोरेल, जो कि बहुत ही बढ़िया फास्ट बॉलर हैं, इनको 20 लाख रुपए में खरीदा किंग्स 11 पंजाब की टीम ने। इसके बाद दोस्तों बात करें अगला खिलाड़ी कौन सा बिकता है, तो अगला खिलाड़ी बिकते हैं एम सिद्धार्थ, जिनको 20 लाख रुपए में केकेआर की टीम ने अपनी टीम में किया। इसके बाद रवि बिश्नोई के ऊपर 2 करोड़ रुपए की बोली लगाती है किंग्स 11 पंजाब की टीम। इसके बाद लिस्ट में अगला नाम है सिमरन हेटमायर का, जिनको 7.75 करोड़ रुपए की बोली दी है दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने। अगले खिलाड़ी दोस्तों डेविड मिलर, जो कि 75 लाख रुपए में राजस्थान रॉयल्स की टीम में गए हैं। अगले खिलाड़ी हैं सौरभ तिवारी, जिनको 50 लाख रुपए की बेस प्राइस पर ही मुंबई इंडियंस की टीम ने अपने नाम कर लिया है। अगले खिलाड़ी दोस्तों मिचेल मार्श, जिनको 2 करोड़ रुपए में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने खरीदा है। जिम्मी नीशम को 50 लाख रुपए दिए हैं किंग्स 11 पंजाब की टीम ने। अगले खिलाड़ी दोस्तों जॉस हेजलवुड, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग की टीम ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा है। अगले खिलाड़ी हैं दोस्तों संदीप भवांका, जिनको 20 लाख रुपए में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने खरीदा है। बात करें दोस्तों अगले खिलाड़ी की, तो क्रिस ग्रीन को भी यहां पर 20 लाख रुपए में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने अपने नाम किया है। टॉम बेंटन, जिनके ऊपर सभी की निगाहें थी, 1 करोड़ रुपए में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में आ चुके हैं। फैबियन एलन को दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने खरीदा है 50 लाख रुपए में। क्रिस जॉर्डन को 3 करोड़ रुपए में खरीदा है किंग्स 11 पंजाब की टीम ने। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने केन रिचर्डसन को जो है वो खरीदा है 4 करोड़ रुपए की प्राइस में। ओशेन थॉमस दोबारा से राजस्थान रॉयल्स की टीम में आ चुके हैं 50 लाख की बेस प्राइस में ही। इनके बाद दोस्तों परवीन तांबे, जो कि ओल्डेस्ट प्लेयर थे, 20 लाख रुपए में केकेआर की टीम ने इनके ऊपर बिडिंग करी। इनके बाद दोस्तों तजिंदर ढिल्लो, जो कि एक ऑलराउंडर हैं, 20 लाख रुपए में किंग्स 11 पंजाब की टीम ने इन्हें खरीदा। इसके बाद दोस्तों जोशिया फिलिपी, 20 लाख रुपए की बेस प्राइस पर
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने इन्हें जो है अपने नाम किया। ये एक विकेट कीपर बैट्समैन है। इनके बाद दोस्तों मोहसिन खान जो कि एक पेसर है, मुंबई इंडियंस ने 20 लाख रुपए में इन्हें खरीदा। अब्दुल समाद को भी दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 20 लाख रुपए दिए। इसके बाद आते हैं अनिरुद्ध जोशी, 20 लाख रुपए में राजस्थान रॉयल्स की टीम में जाते हैं। दिग्विजय देशमुख जो कि 20 लाख रुपए में मुंबई इंडियंस की टीम में जाते हैं। बलवंत रॉय सिंह जो कि 20 लाख रुपए में मुंबई इंडियंस में जाते हैं। इनके बाद आते हैं संजय यादव, 20 लाख रुपए में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इन्हें खरीदती है। मोहित शर्मा पहले अनसोल्ड जाते हैं, दोबारा आते हैं 50 लाख रुपए, दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो है इनके ऊपर बिडिंग लगाती है। इनके बाद लिस्ट में अगला नाम है पवन देशपांडे का, 20 लाख रुपए में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने इन्हें खरीदा। परब सिमरन सिंह जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, लास्ट ईयर काफी अच्छी वैल्यू मिली थी, पहले अनसोल्ड जाते हैं, फिर 55 लाख रुपए में किंग्स इलेवन पंजाब की टीम इन्हें खरीद लेती है। तुषार देशपांडे को दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने खरीदा 20 लाख रुपए में। आरसाई किशोर को चेन्नई सुपर किंग की टीम ने खरीदा 20 लाख रुपए में। मार्कस स्टोइनिस पहले अनसोल्ड गए थे, दोबारा आते हैं, 4.8 करोड़ रुपए की बोली लगती है, दिल्ली कैपिटल्स की टीम में आ गए हैं मार्कस स्टोइनिस। डेल स्टेन जो कि दोस्तों दो बार अनसोल्ड जाते हैं, तीसरी बार में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम दोबारा से डेल स्टेन को खरीद लेती है, यानी कि इस बार हम डेल स्टेन जो है आरसीबी से ही खेलते हुए नजर आने वाले हैं और डेल स्टेन जो है वो बिक चुके हैं। एंड्रे टाय दोस्तों आते हैं 1 करोड़ रुपए की प्राइस में, राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इन्हें अपने नाम किया। इसके बाद दोस्तों ललित यादव आते हैं 20 लाख रुपए में दिल्ली कैपिटल्स की टीम में। शहबाज अहमद आते हैं 20 लाख रुपए में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में। निखिल नायक आते हैं 20 लाख रुपए में केकेआर की टीम में। टॉम करन 1 करोड़ रुपए की बोली लगती है, राजस्थान रॉयल्स की टीम इन्हें 1 करोड़ रुपए में खरीद लेती है। इसके बाद आखिरी प्लेयर होते हैं इसरू उड़ाना जो कि बिकते हैं 50 लाख रुपए में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में। तो दोस्तों ये हैं टोटल वो 61 खिलाड़ी जिनके ऊपर जो है वो बिडिंग लगी, यानी कि जो खिलाड़ी जो है यहां पर बिके हैं। यही 61 खिलाड़ी जो है वो हमें आईपीएल 2020 के सभी टीमों के स्क्वाड में नजर आने वाले हैं। अब दोस्तों आप इनमें से कौन से खिलाड़ी के बिकने से सबसे ज्यादा खुश हैं, क्या डेल स्टेन के बिकने से आप खुश हैं, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। जल्द दोस्तों हम बात करने वाले हैं सभी टीमों के स्क्वाड की, सभी टीमों का स्क्वाड आपको बताएंगे और सभी प्लेयर्स की प्राइस भी बताएंगे स्क्वाड के साथ कि कौन से प्लेयर की क्या प्राइस है आईपीएल 2020 के लिए। तो उसके लिए आप तैयार रहे, कल जो है वीडियो आएगी सभी टीमों के स्क्वाड की। कौन सी टीम का स्क्वाड आप पहले देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।